गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में चीनी कारोबारी से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। दरअसल लोनी के गुलाब वाटिका में भोलाराम निवासी शाहदरा की थोक दुकान है। आरोप है कि एक बाइक पर तीन बदमाश आए और पिस्टल की नोक पर 2,66,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं। करीब वो अकेले बैठे हुए थे, बस उनका रोज का कारोबार है, छोटा मोटा कारोबार है, और बस वो दुकान बढ़ा के जाने की तैयारी में ही थे कि तीन बदमाश आए और बहुत बुरी तरह उनको गंदी गंदी गालियां दी, धक्का मारा, रिवॉल्वर रख दिया और बोला कि अगर पैसे नहीं दोगे तो जान से मार देंगे, और लूट के उनके साथ हाथापाई करके भाग गए और उनका मोबाइल भी लेके भाग गए। वो इतने घबरा गए, बहुत देर तक एक्शन नहीं ले पाए। बड़ी मुश्किल से जब कहीं इधर उधर से आसपास से फोन मांग के किसी को फोन करा ताकि हम तक सूचना आए। दो लड़के दुकान के अंदर आए और एक लड़का बाहर था, तो इन्होंने अंदर पहले इनसे बातचीत करी इस तरह से, फिर उसके बाद उनसे अभद्रता से बात की और वहाँ पर जो पैसा था इनके गले में, जो पैसा था या इनके पास जो पैसा था, लगभग ये 2.5 लाख रुपए के आसपास बता रहे हैं टोटल कैश था। एग्जैक्ट इनको भी जानकारी नहीं है, वो लूज करेंसी थी, लेकिन लगभग 2.5 लाख रुपए से के आसपास जो बता रहे हैं। फिर से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, बाकी हम लोग सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य चीज़ें संभाल रहे हैं। बहुत ही जल्दी घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।